ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों लास्ट टाइम एपिसोड 17 और 16 में हमने देखा था हैमर पैटर्न कहां पे हमें देखने को मिलती है, उसके आने के बाद क्या इफेक्ट उसका होता है, और अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिले तो कैसे आपको उसको ट्रेड करना चाहिए। तो उसी तरीके से दूसरा एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, जो कि दोनों कलर में देखने को मिलता है, वो ग्रीन में भी मिलता है और रेड में भी मिलता है। अगर आपको ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो एक पैटर्न है अगर वो आपको चार्ट के ऊपर दिखती है तो कैसे आपको उसको ट्रेड करना चाहिए, क्या आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होता है और क्या आपके टारगेट रहेंगे, तो यही आज के हम ये एपिसोड में लर्न करेंगे। सो जैसा कि उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, मतलब के उल्टा हैमर, तो उसका शेप भी बिल्कुल ऐसा है, इन्वर्टेड हैमर। आज ये एपिसोड में हम यहां पे ग्रीन कलर का हैमर जो है उसकी डिस्कशन करेंगे। इसका कलर ग्रीन होगा, ग्रीन मतलब के थोड़ा सा ज्यादा बुलिश होगा। तो सबसे पहले ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे देखने को मिलती है, जब भी एक बड़ी सी एक ट्रेंड होती है, बड़ा एक मार्केट होता है, उसका एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो उसके बीच बीच में जब अच्छी साइज की करेक्शन आती है ऐसे, तो ये करेक्शन जब खत्म होने को आती है वहां पे ये हमें ऐसे इन्वर्टेड हैमर शेप का जो है कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। और अगर ये देखने को मिलता है तो उसके बाद मार्केट का जो ऊपर जाने का चांसेस है वो अच्छा होता है। तो यही होता है इसका एकदम अच्छा लोकेशन ट्रेड करने के लिए। अब यहां पे ओपन क्लोजिंग लो एंड हाई क्या होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट जो है वो सपोज 100 रुपीज के ऊपर ओपन होती है, फिर मार्केट वहां से ऊपर जाती है, मार्केट वहां से ऊपर जाते जाते अच्छा खासा रेट दे देती है, वो 110 तक चली जाती है, फिर मार्केट वहां से ठंडी होती है और मार्केट 104 रुपए के आसपास कुछ जस्ट आके बंद हो जाती है। तो ये कैसा हमें चार्ट पे दिखेगा, यहां पे मान लीजिए कि 100 का रेट है, मार्केट यहां पे सुबह ओपन हुई, अब मार्केट यहां पे ओपन होने के बाद एकदम भाग के ऊपर चली गई, अपना हाई बनाते रहे और यहां पे मार्केट ने एक हाई दिया 110 रुपए के ऊपर, मतलब मार्केट ने इतना बड़ा चाल दिया। फिर क्या हुआ मार्केट में, फिर मार्केट में गिरावट आई, तो मार्केट यहां से गिरते गिरते यहां पे 104 रुपए के आसपास शाम को मार्केट ने क्लोज दिया। यहां पे एक चीज देखने को बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मार्केट जहां से ओपन हुई वहां से बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं गिरी और वहां से ऊपर सीधा एक बहुत बड़ा मूव दिया। ये इंडिकेट करता है कि यहां पे कोई बड़ा सा जो बायर था वो बैठा था, किसी ने यहां पे बड़ी साइज बड़ी क्वांटिटी में बाइंग किया है और फिर यहां पे वो जो इतना बड़ा मूव आया उसका कूल डाउन हुआ और यहां पे शाम को आते आते क्लोजिंग हो गया। तो ये हमारा ओपन था, ये हमारा क्या था, ये 100 रुपीज पे हमारा ओपन हुआ, फिर मार्केट ने वहां से हाई लगाया 110 रुपए का, मार्केट वहां से ठंडी पड़ गई और गिरते गिरते आते क्लोजिंग दिया 104 पे। तो यहां पे ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, इसके लिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका जो रियल बॉडी है उसका कलर हमें ग्रीन मिला। तो यहां पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है हमने ये देखा, लेकिन इसको ट्रेड करने का जो टेक्निक है वो क्या है। तो ट्रेड करने का टेक्निक जैसा कि हम पीछे करते आए एपिसोड में वो ही है, यहां पे जस्ट हमें थोड़ा सा ऊपर बाई करने के लिए रखना है, थोड़ा सा नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस रखना है, और अगर ये जो भी हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस आ रहा है उससे डबल या ट्रिपल हमें जब प्रॉफिट मिल जाए तो हमें एग्जिट करना चाहिए। तो यहां पे ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, ये हमारा एंट्री होगा यहां पे, और हमारे लिए एग्जिट यानी कि टारगेट के लिए दो ऑप्शन है, या तो हम यहां पे निकल जाए, ये फर्स्ट टारगेट है T1, या तो फिर थोड़ा सा ज्यादा लेके T2 पे निकल जाए। तो जब हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर मिलती है तो हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन यहां पे बहुत सारे जो लोग हैं वो गलती ये करते कि वो सिर्फ ये कैंडल को देख के कूद पड़ते, वो सीधे ट्रेड ले लेते, लेकिन हमें देखना ये रहता है कि मार्केट का जो बड़ा सा एक ट्रेंड जो जा रहा है प्राइमरी ट्रेंड वो ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट खुद गिर रही है तो उसमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तो उसका जो सक्सेस होने का चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो लोअर साइड पर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट जो है उसका प्राइमरी ट्रेंड, उसका दिशा ऊपर जाना है उसको, और ये जब करेक्शन आता है तो उसका ट्रेंड जो अप ट्रेंड कंटिन्यूस होने के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं।
तो हमें इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का ऐसे ट्रेड करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर कोई सजेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज दूसरों के साथ शेयर कीजिए।